12 बजे काजा से चल के भाई 5:30 रामपुर सूतम सेट सातम सूत। गुड मॉर्निंग गाइस, लुक एट द मॉर्निंग व्यू। काफी स्नोफॉल हुआ था बट थैंकफुली शावर्स थे, मतलब इट वाज लाइट, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा आसमान साफ हुआ है अभी, तो हम अब निकल रहे हैं वापस एंड लेट्स सी आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जूते पॉलिश हो गए हैं एंड बिकॉज अ मैन इज़ ऑलवेज नोन बाय हिज शूज एज दे से। सामान पैक हो रहा है, तैयारी चल रही है एंड या आई नो इट्स बिट मेसी, लुक एट द व्यू। वाह, ऐसी विंडो हमेशा देखने का मन करता है यार, जहाँ ऐसा व्यू दिखे आपको बाहर। दिस इज द प्लेस मगलम स्पीति गेस्ट हाउस, नाइस प्लेस। आई थिंक द रूम्स आर वेरी नाइस, द सर्विस इज ऑल्सो प्रीटी नाइस। मेरे को ये देख के लग रहा है मेरा ब्रेक पैड जा रहा है क्या। तेंजिंग, सो गाइस ही इज द गाय, यही अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यही मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, सपोर्टिव हैं, हमारी बहुत मदद करी इन्होंने, तो चेयर्स टू दिस गाय। ठीक है भैया, थैंक यू। ब्रेड टोस्ट, पराठा एंड सम चिकन विद सम टी। सो गाइस, ये भीड़ इसलिए लगी हुई है क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं पेट्रोल पंप के वो आए नहीं है। वैसा क्यों है ये तो नहीं पता, बट या दैट्स द स्टोरी। Refueling from the world's highest pump. इस तरफ है ओल्ड काजा, वहाँ पे वो मोनास्ट्री है और पेट्रोल पंप भी उधर की तरफ है। कल जो बर्फ़ पड़ी है ऊपर के सारे एरियाज और ज़्यादा वाइट हो गए, लुक्स मोर ब्यूटीफुल एंड मोर फ्रेश। ये है रास्ता न्यू काजा में नीचे बस स्टैंड में जाने का और मेन मार्केट में। इधर ये देखिए खेती की तैयारी चल रही है, अब सीज़न आने वाला है, यहाँ पर हरा भरा सा हो जाएगा सब कुछ।
गाइस हम नाको की तरफ चढ़ रहे हैं और भाई साहब यहाँ की चढ़ाई मतलब क्या ही बोले, और ये टेम्पो वाले की जान निकल गई है। ओहो, और ये बेसिकली स्नेक क्लाइंबिंग कहते हैं, राइट लेफ्ट घुमा घुमा के ऊपर लेते हैं ताकि गाड़ी के इंजन पे कम जोर पड़े। और फिर से हमने सटासट सूतना चालू करा और नज़ारे देखिए गाइस, क्या नज़ारे हैं यार। ये रास्ते सबसे खतरनाक कहलाते हैं इस रोड के। और आज का हमारा डेस्टिनेशन थियो गया एंड हम आराम से आई थिंक पहुंच जाएंगे। जहाँ जहाँ रोड्स अच्छे मिले वहाँ हम तगड़ी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। वाह, टारमैक रोड देख के दिल खुश हो जाता है। गाइस सुबह चले थे 11:15 काजा से, बल्कि 11:30 हो गया था, 11:30 हो गया था निकलते निकलते, बल्कि और लेट 12 बजे, क्योंकि फ्यूल डलवाया था आधा घंटा फ्यूल डलवाने में लगा। 12 बजे चल के अभी हो रहा है 5:30 और हम रामपुर पहुंचने वाले हैं जस्ट। सो ये बाइक दिखाएंगे जब आप, ज़रा कैसी कितनी भारी बाइक हम लेके चल रहे हैं। हम मतलब इतनी भारी बाइक लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा इंजन है इसका देखिए, 1500 cc का भाई, लेकिन मज़ा आ गया यार। सवेरे 11:30-12 बजे काजा से चल के भाई 5:30 रामपुर सूतम सेट दोबारा थोड़ा वाइंड अप किया है। आप भी जब भी ट्रिप्स पे चले तो ध्यान रखें सामान एक बार बीच में चेक कर लिया करें, खास तौर से जब आप थोड़ी सी हाइपर राइडिंग कर रहे हो। तो यार भाई कोने से भी ज्यादा इस्तेमाल हो गया। पहुंचने का प्लान है हमारा भी, पहुंचेंगे खाना खा रहे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, चलो चलते हैं। गाइस रामपुर में हमने छोटा सा ब्रेक लिया, वहीं पे हमने लंच करा जो कि थोड़ा लेट करा, बट हमने लंच वहीं से करा जहां से हमने जाते वक्त करा था, रामपुर में बिरयानी खाई। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारी क्लच की धार टूट गई चलते चलते, और अंधेरा भी होना चालू हो गया था। एक शॉप पे रुक के हमने पता करने की कोशिश करी कि क्लच की वायर अगर मिल जाए, बट उनमें से एक बंदे ने काफ़ी हमारी मदद करी और उन्होंने बताया कि किंगल में हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। लेकिन किंगल यहाँ से 50 किलोमीटर था जो कि एक लंबा सफ़र था चढ़ाई का, और बिना क्लच के इतनी भारी बाइक और पिलियन के साथ चलाना आसान बात नहीं थी, बट फिर भी हमने इस चैलेंज को लिया और हम 50 किलोमीटर बिना क्लच की तार के चला के ऊपर तक गए। फिर मैंने इन्हीं भाई साहब से बोला कि वो थोड़ा सा हमें टेक ऑफ दे दें, थोड़ा सा धक्का दे दें, और जैसी बाइक थोड़ी सी मूविंग कंडीशन में होगी मैं पहला गियर लेके कंटिन्यू ऑन करूँगा, बिना रोके हम किंगल तक पहुँचेंगे जैसे तैसे करके। और उन जनाब ने हमें धक्का मारा और हम आगे निकल गए। बस ये ट्रक वाला रुके ना, अगर ये रुक गया तो आज पैंट बच जाना है। रुके ना और ये निकल गए, थैंक गॉड। गाइज मैंने एक्चुअली पहले भी क्लचलेस शिफ्टिंग करी है बाइक्स में, मैं यूज़ करता हूँ बिना क्लच के गियर चेंज करना, उसकी एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं क्लचलेस शिफ्टिंग। सो आज वो यहाँ पहाड़ों पे काम आ रही है। गाइज फाइनली किंगल पहुँच गए और यस वी मेड इट। और यहाँ पे भाई से हम कुछ जुगाड़ करवा रहे हैं, इनके पास भी क्लच की तार तो नहीं है इस पर्टिकुलर बाइक की, बट एक जुगाड़ करवा रहे हैं उसमें जिसे बोलते हैं देसी भाषा में मक्खी लगवा के तार को अटकाएंगे ताकि क्लच काम करने पाए और हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करने पाए। गाइस ये वो शॉप थी जहां से हमने क्लच की तार का जुगाड़ करवाया, और अब हम किंगल से निकल रहे हैं थियो जाने के लिए। थियो किंगल से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पे है, अंधेरा काफी ज्यादा हो गया है और प्रॉबेबली 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे थियोग। मिलते हैं अब आपसे थियोग में अगली वीडियो में। मौसम थोड़ा सा बिगड़ा है, इधर आंधी तूफान आ रहा है। पूरी बाइक क्यों हो रही है? दिस इज द रियल एडवेंचर।